लगभग सारे काम हो ही चुके हैं, जो सुबह वाले काम होते हैं वो भी हो चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है और हमने चाय भी पी ली है। अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ते की तैयारी, तो चलिए नाश्ते में कुछ फटाफट से बना लेते हैं। आज नाश्ते में ना मैंने उपमा ही बना लिया, ये जल्दी से भी बन जाता है और सेहत के लिए अच्छा भी रहता है, पौष्टिक रहता है तो इसीलिए, और जल्दी से बन भी जाता है। क्योंकि आज ना नाश्ता बनाने में मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया, 9:30 बज चुके हैं तो ये भी आ चुके हैं, तो सोचा यही बन जाएगा जल्दी से, तो मैंने बना लिया है। तो उपमा तो बनकर रेडी है, अब फटाफट से सबके लिए प्लेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी प्लेट लग चुकी है क्योंकि वो दोनों खा रहे, तो आ जाइए आप भी कर लेते हैं सुबह का नाश्ता। बाहर टीवी देखते हुए मैं नाश्ता करूँगी आज तसल्ली से। और ये देखिए नाश्ता होने के बाद दीपक के क्या कारनामे चलते हैं, कैसे करता है। यहाँ पर बगीचे में आ चुकी हूँ मैं, और ये देखिए फूलों से पूरा वाइट हो चुका है बगीचा, काफ़ी सारे फूल उगाए हैं और काफ़ी सारी कलियाँ भी हैं यहाँ पर, नीचे की तरफ से कलियाँ भर भर के लगी हुई है, फूल भी उग चुके हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस बगीचे में ना एक छोटा सा बेरी का पेड़ भी है, तो ये छोटा सा पेड़ है मगर इसमें ना भर भर के बेर लगे हुए हैं, अब ये पके नहीं हरे हैं मगर बहुत सारे लगे हैं, पूरा पेड़ भर के छोटे छोटे से बेर लगे हुए हैं। दोपहर के 1 बज रहे और मुझे दोपहर का लंच बनाना है अभी, तो सुबह तो उपमा बना था तो सबने नहीं खा लिया, फिर बाद में खाना भी, अब लंच की तैयारी करनी है, तो सोचा सब्जी में मैं आज वेज कढ़ाई सब्जी बनाऊँ, क्योंकि सारी सब्जियाँ भी रखी हुई है तो बहुत टेस्टी भी लगती है, मुझे वेज कढ़ाई सब्जी बहुत पसंद आती है, मुझे और घर में सब खाते हैं तो फटाफट से वही बना लेती हूँ। तो गैस पर कढ़ाई रख दी है मैंने, कढ़ाई गर्म होने के बाद इसके अंदर ऑयल ले लिया है, 2 चम्मच ऑयल है ये। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, 2 प्याज है ये, 2 प्याज काट लिए थे मैंने एकदम बारीक बारीक, और इसे इस तरह से मिलाते हुए हमें इसे अच्छे से पका लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो प्याज गोल्डन ब्राउन होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम क्या करेंगे इस वाले चूल्हे पर इसे रख देते हैं। तो ये देखिए इस तरफ मैंने रख दिया है, इधर ये प्याज को भी देखते रहेंगे और इधर ये मसाला भी तैयार कर लेंगे हम, ताकि साथ ही साथ हो जाए, क्योंकि 1 बज रहे हैं, लंच का टाइम हो रहा है, सुबह भी आज लेट ही हो गया था नाश्ते में और अब भी लेट हो रहा है। क्या हुआ ना, थोड़ी देर मैंने बगीचे में थोड़ी देर घूम आई ना, थोड़ा सा वहाँ अच्छा लग रहा था तो वहीं बैठ गई मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा लंच बनाने में मुझे लेट हो गया है, तो कोई नहीं अब फट से बना लेते हैं। इधर इस छोटी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच धनिया ले लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा, ये सब कुछ हमें भून लेना है धीमी गैस पर। तो ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है, और इधर मैं साथ ही साथ प्याज भी देख रही हूँ, इसे भी मिलाते रह रही हूँ ताकि साथ ही साथ हो जाए, प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। प्याज को इस तरह से बनाने में हमें 5 से 6 मिनट लगते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, डालकर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, इसका पूरा कच्चापन चला जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। इसी तरह से हमें 1 मिनट तक इसे भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, तो 2 प्याज मैंने ले लिए थे उसी हिसाब से 2 टमाटर मैंने काट लिए हैं, इसे एकदम बारीक काट के हमें इसके अंदर इस तरह से डाल देना है और इस तरह से मिलाते रहना है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। तो थोड़ा सा नमक मैंने मिला दिया है ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। अब हम इसे ढककर रख देंगे जब तक टमाटर हमारे गल न जाते तब तक। और यहाँ पर ये मसाला भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये जो खड़े मसाले हमने भून लिए थे, अब हम इसे पीस लेते हैं। तो मैंने मिक्सी की जारी में से ले लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर,
अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च हो तो आप धनिया के साथ उसे भी भूनकर इसमें पीस सकते हैं। तो ये देखिए मसाला मैंने बना कर रख दिया है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये ताज़ा ताज़ा मसाला हमने जो अभी अभी भून कर बनाया है ना, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में। इधर टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो ये मसाला तैयार है हमारा। तो मैंने गैस बंद करके रख दिया है और यहाँ पर दूसरी कढ़ाई में मैंने एक चम्मच ऑयल ले लिया है और ये ऑयल ना पूरे कढ़ाई में मैंने फैला दिया है। और ये सब्जियाँ जो मैंने काट कर ले ली है, गाजर है, मटकी है, आलू है, शिमला मिर्च है, जो जो सब्जी आपके पास हो, बीनीस वगैरह भी ले सकते हो। बीनीस मेरे पास नहीं है तो इसकी जगह मैंने मटकी ले ली है। तो ऑयल गर्म होने के बाद हम धीमी गैस करके फिर ये जो सब्जियाँ है हम इसे भून लेंगे। तो पहले तो मैंने इसमें गाजर डाला है, फिर बाद में आलू, फिर मटकी डाल के हमें अच्छे से इसे मिलाते हुए इस तरह से पका लेना है धीमी गैस पर। अब लास्ट में डाला है, पहले तो ये सब्जियाँ मैंने 3 मिनट तक अच्छे से भून लिए, फिर बाद में डाली है मैंने इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ना जल्दी से गल जाती है, इसीलिए बाद में हमें इसे डालना है और इस तरह से मिलाते रहना है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। तो ये 2 मिनट तक मैंने इसे ढककर रख दिया था धीमी गैस पर और इसे फिर से इस तरह से मिला देंगे। सब्जियाँ अच्छे से अब पक चुकी है, अब डालेंगे जो हमने बनाकर रखा है मसाला, वो मसाला इसमें डाल देंगे और इस तरह से मिला लेंगे। और ये मसाला जलना नहीं चाहिए इस तरह से हमें। गैस आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी गर्म रहती है, नहीं तो धीमी गैस पे भी इस तरह से मिला सकते हो। तो ये मसाला अच्छे से लग चुका है पूरी सब्जी में। तो बाद में डालेंगे हम ये टमाटर और प्याज की जो हमने चटनी बनाकर रखी थी वो इसके अंदर डालकर इस तरह से मिलाते हुए हम अच्छे से मिला लेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह से मिलाते हुए रहना है, फिर बाद में हमें इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालकर भी अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा पतली सब्जी, ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर ज़्यादातर पानी डालकर फिर थोड़ा सा बेसन भी मिला सकते हो ज़्यादा ग्रेवी के लिए। मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई है। फिर लास्ट में डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी और कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी 1 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं ताकि कसूरी मेथी का जो टेस्ट है इसमें आ जाए। फिर बाद में हम इसे पका लेंगे अच्छी तरह से। फिर ये देखिए फ्रेश मलाई 1 चम्मच, लास्ट में फ्रेश मलाई इसके अंदर डाल देंगे। इससे काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। अब सब्जी तो बनकर रेडी है, फटाफट से रोटियां भी बना लेते हैं और दोपहर का लंच कर लेते हैं क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। ये भी आ चुके हैं और दीपक भी बैठा है खाना खाने के लिए, तो फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। तो हमारा दोपहर का लंच हो चुका है। यहाँ पर मैं भर ले रही हूँ बेसन, मैंने अभी भी बेसन पीस लिया है। ये 3 किलो दाल मैंने पीस ली है, चना दाल। तो काफ़ी सारा यहाँ पर बेसन बन चुका है। अब मैं इसे डब्बे में भर कर रख देती हूँ क्योंकि ये जो मैं पीसती हूँ ना तो ये गर्म रहता है, इसीलिए थोड़ी देर मैंने इसे ही रख दिया था ठंडे होने के लिए। तो ये बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे डब्बे में भर कर रख देती हूँ। अभी बर्तन भी पड़े हैं, पहले बेसन भर कर ढक कर रख देती हूँ फिर बर्तन मांज लूँगी। तो पूरा डब्बा टप टप भर चुका है बेसन से, इसे रख देते हैं ऊपर। और खाना खाते समय ये फलियां तो मैं भून ही लेती हूँ, ये थोड़ी सी बची हुई है तो इसे मैं निकाल कर रख देती हूँ प्लेट में। और ये सारे बर्तन मैं ले लेती हूँ इकट्ठा करके और इसे एक बार मैं धो लेती हूँ इस तरह से, फिर फटाफट से बाद में मांज लूँगी। इस तरह से जल्दी से बर्तन मांजने हो जाते हैं। तो ये दीपक कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है मुझे छत पर चलो मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब से दिनेश गया है ना उसे दिनेश को बहुत मिस कर रहा है ये। दिनेश बोल रहा है दिनेश को बुला लो, हाँ से बोवा के हाँ से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अकेले अकेले से, दोनों झगड़ते रहते थे दिन भर, वो चला गया तो इसे अकेलापन महसूस हो रहा है, उसको बहुत मिस कर रहा है। दिन में 3-4 बार बोलता है मम्मी दिनेश को बुला लो, दिनेश को बुला लो, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है दिनेश नहीं है तो बिल्कुल। मैं भी दिनेश को बहुत मिस करती हूँ।
तो शायद अभी 2 दिन रहकर वो आ जाएगा। और ये देखिए, आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी हो चुके हैं, किचन भी क्लीन हो चुकी है। सबका खाना पीना हो चुका है और बर्तन भी मांज लिए, किचन भी क्लीन है, पूरे घर में झाड़ू भी लग चुकी है और फ्रेश होकर मैं आ भी चुकी हूँ। अब 5 बज रहे, अभी दियाबाती नहीं करूँगी क्योंकि 6 बजे ही होती है दियाबाती। तो इसी के साथ वीडियो कहीं पर कर देती हूँ एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली।